आपने कांग्रेस के इतने नेताओं के भाषण सुने, वे राजस्थान के विकास के संबंध में एक भी भाषण करते हैं क्या? एक भी बात करते हैं क्या? बात क्या करते हैं? अभी तो उन्होंने नई बात कह दी, और ये नामदार है भाई, उनको तो सब कुछ कहने का हक होता है, और हम कामदार रहे हमें तो सुनना ही पड़ेगा जी। ये नामदार को तो सब कुछ बोलने का हक है। इन दिनों अभी उन्होंने चुनाव में बताइए, वो कह रहे हैं कि मोदी को हिंदू का कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, मोदी को ज्ञान है कि नहीं है? क्या राजस्थान में इसके मुद्दे पर वोट डालना है क्या? राजस्थान को बिजली पानी सड़क के लिए वोट चाहिए कि मोदी को हिंदू का ज्ञान है कि नहीं उस पर वोट चाहिए? वो इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा। हां, मैं ये बात जरूर कहूंगा, हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है, ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है, और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है, किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं, नामदार कर सकते हैं। जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं, उनके इस ज्ञान उनको मुबारक और देश को भी मुबारक, ताकि आपका मन हल्का फुल्का रहता है, जरा मनोरंजन मिल जाता है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले उनके एक नेता ने सनातन धर्म पर ही सवाल उठा दिए, और ये लोग कैसे हैं जो कहते हैं उनको हिंदुत्व का अगाध ज्ञान है? अरे, हिंदुत्व की कई पहलू है, एक पहलू ये भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये हिंदुत्व की एक परिभाषा छोटी सी, छोटा आदमी, गांव का आदमी बता देता है, लेकिन जिस हिंदुत्व का ज्ञान के आप ठेकेदार हो, आप पूछ रहे हो,
मोदी की जात कौन सी है, ये कहां से हिंदू सीख करके आए हो भाई, ये कहां से हिंदुत्व का ज्ञान लाए हो। भाइयों बहनों, जो लोग हमें हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं जरा उनसे पूछ रहा चाहता, और कांग्रेस को अच्छा लगे बुरा लगे, एक परिवार ने चार पीढ़ी तक राज किया है और इस परिवार ने हजारों साल तक ये चार पीढ़ी के कारनामों का जवाब देना ही पड़ेगा। बच नहीं सकते वो, ये लोकतंत्र में हिंदुस्तान का हक है कि जिन चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है उन चारों पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। ये हिंदुत्व के ज्ञानी, जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं, देश आजाद हुआ, गुलामी के कालखंड में आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, बार बार ध्वस्त किया था, देश आजाद होने के बाद गुलामी की इस निशानी को खत्म करने के लिए इस देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ की धरती पर जाकर के समुन्दर का जल अपने हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की थी कि गुलामी की इस निशानी को नष्ट करूंगा और फिर से सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार करूंगा। मैं ये हिंदुत्व के ज्ञानी को पूछना चाहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया था, तब देश के पहले प्रधानमंत्री और आप ही की परिवार की पुरानी पीढ़ी के महारथी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के संबंध में क्या रुख अपनाया था, वो क्या हिंदुस्तान नहीं जानता है क्या? आप हमें हिंदू सिखाने आए हो? अरे इतना ही नहीं, आज हिंदुस्तान गर्व के साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मदिन मना रहा है। उनके जन्मदिन पर मैं भी उनको नमन करता हूं, आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, और उनके महान कार्य हमें निरंतर अच्छा काम करने की प्रेरणा देता रहे, इस संकल्प को मैं फिर एक बार दोहराता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये ज्ञानी नामदार, हिंदुत्व का इतना अगाध ज्ञान आपके पास है, जरा ये तो बताइए, जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो गया, सरदार साहब ने अपने बलबूते पर कर लिया, उस समय के प्रधानमंत्री का विरोध होने के बावजूद भी कर दिया, लेकिन जब राजेंद्र बाबू उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, तब जिस हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था, वो कौन सा हिंदुत्व था आपका, वो कौन सा ज्ञान था हिंदू का आपका? मोदी ने तो कभी दावा नहीं किया है, हम तो एक ऐसे सामान्य परिवार से आए हैं, हम किसी ज्ञान का दावा कभी कर नहीं सकते, लेकिन हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि 125 करोड़ देशवासी ज्ञान का भंडार है, और वही मेरा रिमोट कंट्रोल है, वही मुझे चलाता है, और इसलिए मैं सही रास्ते पर चलता हूं।